नमस्कार दोस्तों, इजी डीटीएच फ्री टू एयर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे आप एक ही सेट टॉप बॉक्स से दो टीवी कनेक्ट करके चला सकते हो और दोनों अलग अलग जगह से कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों आजकल का जिस जैसे मॉडर्न बॉक्स आ रहा है उसमें काफी सारे ऑप्शन होता है। जैसे कि एक सेट टॉप बॉक्स में अगर आपका वो HDMI वाला सेट टॉप बॉक्स होता है, मतलब कि HD सेट टॉप बॉक्स होता है, उसमें दो आउटपुट रहता है। ये देखिए, इसमें ये जो है एक HD सेट टॉप बॉक्स है, इसमें है आपका HD आउटपुट है और यहाँ पे आपका AV ऑडियो वीडियो का भी आउटपुट है। तो आज हम दिखाएंगे ये HDMI से एक टीवी को कनेक्ट करके और दूसरा टीवी के लिए ये वाला ऑडियो वीडियो कैसे यूज किया जाता है। और दोस्तों अगर आपके सेटअप बॉक्स में एक ही ऑप्शन है और ऑडियो आउटपुट है, सिर्फ ऑडियो वीडियो आउटपुट है, दूसरा कोई आउटपुट नहीं है, तो आप इस तरह का कोई सॉकेट यूज कर सकते हो। ये सॉकेट यहाँ पे लगाने से आपका दो आउटपुट मिल जाता है। देखिए ये दो आउटपुट मिल गया इस तरह का सॉकेट अगर आप यूज करते हो। अगर आपके सेटअप बॉक्स में ऑप्शन नहीं है दो आउटपुट का, तो आप इस तरह का सॉकेट यूज कीजिए। अभी देखो जैसे कि एयरटेल का बॉक्स, जैसे पेड बॉक्स होता है एयरटेल का बॉक्स, वीडियोकॉन का DTH बॉक्स और डिश टीवी का बॉक्स, काफी सारा बॉक्स के अंदर आपका दो आउटपुट रहता है, एक HDMI का, दूसरा है आपका ऑडियो वीडियो का। तो इस वीडियो में हम दिखाएंगे HDMI, एक सेट बॉक्स से HDMI देंगे और दूसरा जो बॉक्स है उसमें हम ये इस टीवी के लिए हम देंगे, ये मॉनिटर को टीवी बनाया है इसके लिए हम देंगे ऑडियो वीडियो आउटपुट और इस टीवी को हम देंगे HDMI आउटपुट। ठीक है, तो देखो दोस्तों अगर आपका वीडियो का ऑडियो वीडियो का जो केबिल है वो अगर आपका आपके पास है और वो छोटा हो जा रहा है, तो आप इस तरह के सॉकेट यूज कर सकते हो। ये सॉकेट देखो जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, कभी कभी होता है ना आप दूसरे रूम में ले जाते हो और आपका केबिल शॉर्ट हो गया, तो आप इस तरह के एक जम्पर या फिर ज्वाइनर जो भी बोलो उसे कनेक्ट कर दो। तो इसका देखो केबिल कुछ बड़ा है, उससे इधर भी एक लगा दो, सेम प्रोसेस है, इसे केबिल थोड़ा आपका बड़ा हो जाता है। ये देखो ये केबिल काफी बड़ा हो गया है, देखो देख सकते हो। और दूसरा भी उपाय है, मैं बता दूंगा आप लोगों को उसके बाद। और दोस्तों ये देखो इसे भी हम यूज करेंगे, ये बहुत काम का चीज है दोस्त। जैसे कि आप एक टीवी में एक सेटअप बॉक्स और दो टीवी से कनेक्ट तो कर लिया हो, दूसरा रूम में जो टीवी है वो कैसे कंट्रोल करोगे, उसके लिए ये वाला बहुत काम पे आएगा। ये देख सकते हो आप, इसे कैसे काम पे लगाया जाएगा वो हम डिटेल्स में बता देंगे अभी। दोस्तों ये है एक IR एक्सटेंडर केबिल, इसे IR जो होता है वो एक्सटेंड हो जाता है, ये ऑनलाइन आपके Amazon पे मिल जाएगा। तो इसे कैसे यूज करोगे उसके बारे में हम बता देंगे। और इधर दूसरा जो होता है वो लगाना होता है यहाँ पे, ये लग गया मेरा, ये काम करेगा जो सेटअप बॉक्स दूसरा रूम में होगा ना, तो इसके लिए ये काम करेगा। तो हम डिटेल्स में अभी दिखा देंगे आप लोगों को। तो चलिए पैसे पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं सेटअप बॉक्स को। दोस्तों फिलहाल ये जो सेटअप बॉक्स है ये पेड बॉक्स नहीं है, ये फ्री टू एयर बॉक्स है। इस बॉक्स को हम दोनों टीवी से कनेक्ट करेंगे। इसका जो पहले वाला है ये HDMI देंगे इस टीवी के लिए, HDMI केबिल को हमने ये यहाँ पे लगा दे रहे हैं, आप देख सकते हो ये HDMI केबिल लग गया। अभी एंटेना का केबिल लगा रहे हैं, ये देखो मैंने एंटेना का केबिल लगा दिया, ये जा रहा है आपका पावर का केबिल है दूसरा टीवी के लिए ये वीडियो आउट लेंगे। अब देख सकते हो इसका मैं लगा दे रहा हूं, ये लग गया, ये HDMI जो इस टीवी के लिए जा रहा है और ये ऑडियो वीडियो आउटपुट जो जा रहा है वो दूसरा टीवी के लिए जो दूसरा रूम में आप रख सकते हो। तो अभी इसे हम लगा दिया, और ये जा रहा है आपका ये जो केबिल जा रहा है ये यहाँ पे मैंने ज्वाइनर लगा दिया, ये जाएगा आपका दूसरा टीवी में, जो मेरा टीवी यहाँ पर है ये दूसरा टीवी का मैंने दे रहा हूं अभी। हाँ तो दोस्तों अभी इस केबिल को
इसको समझना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको कैसे कहाँ पे रखना होगा ये आपको समझा देता हूँ। मैंने पहले ये देखो ये जो पार्टन है ये है, यहाँ से आपका IR सिग्नल निकलेगा, तो इसको आपको सेटअप बॉक्स का जहाँ से सेंसर है वहां पे लगा देना होगा। ये मैं लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो सेंसर होता है, तो यहाँ पे हमने इसे लगा दिया, ठीक है, क्योंकि हम जब सेंस देंगे यहाँ से दूसरा टीवी के सामने से, तो यहाँ से सेंस आके ये केबल के थ्रू होके ये सेटअप बॉक्स को डायरेक्ट कंट्रोल करेगा। और अभी इसके अंदर एक आपका सेंसर लगा है, इस सेंसर को रखना है दूसरा टीवी के सामने जहां पर आपका सेटअप बॉक्स नहीं होगा, तो इसे हम यहाँ पे लगा देंगे। ये देखो दूसरा टीवी के सामने यहाँ पे लगा देंगे, हम जब सेंस देंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ से सेंस लेगा और उस साइड से आपका निकल जाएगा। और दूसरा इसका एक पावर होता है, ये पावर देना होगा आपका, अगर आपका पास LED टीवी है तो उसके अगर USB पोर्ट होता है पीछे में तो वहां पे दे सकते हो। ये तो मॉनिटर है, इसमें नहीं है, इसलिए हम फोन का जो चार्जर है उससे हम पावर लेंगे। ये देखो मैंने लगा दे रहा हूँ, इसे हो गया कनेक्शन मेरा। देखो दोस्तों हमने कनेक्शन कर दिया है, यहाँ पे हमने HDMI लगाया है, इसलिए इस टीवी को हम HDMI चूज करेंगे। आइए, ये देखो ये टीवी अभी HDMI से चल रहा है। दूसरा जो टीवी है आपका यहाँ से केबल जा रहा है, और यहाँ से आपका सेंसर जो है उसका भी केबल जा रहा है। ये देखो वो ये जो सेंसर ऊपर में मैं लगाया हूँ ये वाला, इसका केबल भी जा रहा है, ये नीचे से ले लिया मैंने। ये देखो तबियत खराब है तो खाना बनने में देरी होगी ना, और इसी वजह से ये जो केबल है ये जा रहा है यहाँ से, ठीक है। चाचा की कार में ये IR के लिए जा रहा है, और दूसरा जो केबिल है वो जा रहा है आपका ऑडियो वीडियो के लिए। ये देखो ये जा रहा है यहाँ से, इस टीवी को भी हम ऑन कर दे रहे हैं यहाँ से, और इसे जब भी हमने ऑन कर दिया तो यहाँ पे देखो ये टीवी भी ऑन हो गया और इधर भी पावर आ गया। ये जो है आपका ये जो देख रहे हो ये है आपका सेंसर। तो यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं कि आप चैनल कैसे चेंज कर पाओगे, ये देखो यहाँ पे दोनों टीवी चल रहे हैं, दो अलग अलग रूम पे आप रख सकते हो, ठीक है। अभी देखो इस सेटअप बॉक्स का चैनल अगर हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखो ये सेटअप बॉक्स का जब ये चैनल चेंज करोगे तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये देखो यहाँ से हमने चैनल चेंज कर रहे हैं, तो चैनल चेंज हो रहा है, दोनों टीवी में सेम चैनल चलेगा, ठीक है। मगर अब अगर आप दूसरा कमरे में जाते हो तो दूसरे कमरे में जाने के समय आप चैनल कैसे चेंज करोगे, सेटअप बॉक्स तो दूसरे कमरे में रहेगा, तो इसके लिए ये जो है आपका बहुत काम पे आता है। यहाँ पे जब भी आप सेंस दोगे तो ये सेंस लेगा और वो IR पर से सिग्नल निकल आएगा। ये देखो मैं चेंज कर रहा हूँ अभी, ये देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है आपका। ठीक है, ये है एक IR एक्सटेंडर केबल। चैनल चेंज करने के लिए ये बहुत काम पे आता है, ये सेटअप बॉक्स के लिए चैनल चेंज करने के लिए, और आप यहाँ से भी चैनल चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों टीवी में एक ही चैनल आएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपका रूम का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो वो भी देख लो, इस तरह का केबल ले सकते हो, ये कंप्यूटर का लैन केबल, आप यहाँ से काट दो, तो काटने के समय यहाँ पे आपका देखो केबल निकल आएगा। ये दोनों आप ले लो, उस ये जो हमने IR दिखाया ना आपको, ये देखो ये जो IR हमने दिखाया आप लोगों को, ये जो IR है ये IR को यहाँ पे लगा के दूसरे कमरे में आप ले जा सकते हो, तो हमने जो IR ठीक है, तो आपका ये जो केबिल है ये कंप्यूटर का लैन केबिल होता है, यहाँ पे आपका 8 वायर होता है, टोटल 8 वायर होता है, एक आप वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए, ऑडियो के लिए, और IR के लिए कोई भी ले सकते हो। और ये जो केबिल है आपका बहुत दूर आप ले जा सकते हो, 20-30 मीटर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आया होगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, एक IR एक्सटेंडर केबिल से कैसे आप दोनों रूम में आपका टीवी चला सकते हो एक सेटअप बॉक्स के। अगर आपका पास पेड वाला सेटअप बॉक्स है तो आप एक ही बॉक्स से 2 टीवी चला सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्या का जुगाड़ चाहिए वो हमने इस वीडियो में देखा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए देख रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए।